थैंक यू सो मच. आज बहुत ही खुशी का दिन है कि राज की दूसरी फिल्म का मुहूर्त भी है और मेरी छोटी बहन रेणुका का आज बर्थडे भी है, तो मैं उसको भी बधाई दूंगा और पूरे उनकी फैमिली को विश हैप्पी बर्थडे. और बहुत ही मेहनती है ये दोनों और एक दूसरे स्टेट से आके मुंबई शहर में इन्होंने अपनी जो शुरुआत की बदला हिंदुस्तान का, उसके बाद इस फिल्म के मुहूर्त. और माशाल्लाह ये कमिटेड लोग हैं और जो काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं. तो मैं इन सबको, इन दोनों को और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि मालिक इन्हें इसी तरीके से हौसला दे और इनकी ये जो भी फिल्म का शुरू हो रहा है वो भी कम्प्लीट हो और उसको भी हम सब देखें. और नए लोगों को ये हमेशा चांस देते हैं, सो बहुत अच्छी बात है. सो थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी. जो भी काम करता हूँ प्रेम से ही करता हूँ और आज इस फिल्म की शुभकामना भी दे रहा हूँ तो प्रेम से ही दे रहा हूँ. और जरा मैं शुक्रगुजार हूँ राज भाई का, जरा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, दुनिया के लिए जोरदार तालियां हो. और जिन्होंने मुझे बुलाया है, एक तो नाम लेते हुए भी डर लगता है, तनुश्री मुखर्जी, इनके लिए जोरदार तालियां. इन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी है और मैं शुभकामना करता हूं कि फिल्म बने और पोस्टर फाड़ दे, पर्दा फाड़ दे एकदम. नाउ थैंक यू वेरी मच. और ये जूनियर महमूद के छोटे भाई हैं कल्लू जी, जरा ये दो शब्द बोलेंगे. आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को, राज भाई को और रेणुका जी को बहुत बहुत बधाई. तनु जी ने मुझे बुलाया और मैं चाहता हूँ कि फिल्म बने और खूब कामयाब हो, लोग देखें, सराहें. थैंक यू सो मच. सबसे बड़ी बात है कि इसका जो बहुत सारा जो पार्ट है डोनेशन हो जाएगा इंडियन आर्मी को और पार्टनर्स के बेनिफिट के लिए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही नेक काम है, बहुत अच्छी बात है. और ये दोनों जोड़ी जो है राज राजपूत रेणुका जी, इन्होंने पहली फिल्म भी बनाई थी बदला हिंदुस्तान का, जिसमें हम सब ने, मुश्ताक भाई, हम सब लोगों ने काम किया था. ये बड़ी हिम्मत की बात है कि नए कलाकारों को लेके और नया सब्जेक्ट फिल्म बनाना, उसको रिलीज़ करना, बेचना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और ये जो फिल्म शुरू हो रही है आज, ये बिल्कुल एक तरीके से कि अद्भुत भारत, यानी बहुत अच्छा टाइटल है और हम सब लोग उसके एक पार्ट ऑफ ये हैं, हिस्सा हैं इस फिल्म के. मैं बधाई देना चाहूँगा कि राज राजपूत इसी तरीके से सीनियर लोगों के साथ साथ नए कलाकारों को भी मौका देते हैं, बड़ी खुशी की बात है. और दुआ भी करता हूँ कि फिल्म शुरू हो, धमे और रिलीज हो. देखिए ये तो ये शुरू से ये सब आर्मी के लोग हैं, हरियाणा के हैं, इनका पूरा ख़ानदान आर्मी में है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ. तो ये लोगों की सोच वैसी है और ये चाहते हैं कि अगर फिल्म कंप्लीट हो, इसका जो भी जो इस फिल्म से मुआवजा मिले वो 60% ही चाहते हैं कि कंट्री को, यानी इस हिंदुस्तान को दिया जाए और आर्मी के लोगों को उससे जो फ़ायदा हो पहुँचाएगा. ये भी दत्ता जी तो एक बहुत महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत बड़ी फिल्में बनाया है उन्होंने, उनका इससे कोई मुकाबला नहीं. इनकी एक कोशिश है, ये अपने लेवल पे एक कोशिश कर रहे हैं जिसके हम लोग सपोर्टर हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा उछाला भी जा रहा है और बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा, तो बहुत पुरानी बात है ये और 25-25 साल पुराने केस को लाया जा रहा सामने, तो बहुत सोच समझ के. और बाकी ठीक है, ये एक अच्छी शुरुआत है, आने वाले लोगों के लिए अलर्टनेस है, अलर्ट हो जाएंगे लोग. जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले जो मेकर्स हैं,
हमारी इंडस्ट्री के उनके लिए सावधान इंडिया हो जाएगा। नहीं ये तो ये तो ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा बन चुका है। अब तो बहुत सारे आप एमजे अकबर साहब ने उनको रिजर्वेशन देना पड़ा इस मुद्दे में फंसने के बाद, तो मुझे लगता है कि जिसका भी नाम आएगा और अगर सच्चाई है तो उनको उसका जवाब देना होगा। सबसे पहले तो मैं रेणु का राजपूत को उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आज उनके ये यहाँ के लिए राजपूत के लिए बहुत ही खुशी है कि उनकी पत्नी का जन्मदिन है। उसके बाद ये फिल्म उन्होंने लॉन्च की है, बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और मैंने भी उनकी फिल्म की थी बदला हिंदुस्तान का, तो उनका उनका थॉट एक्चुअली वो वही है हिंदुस्तान को लेकर के, अपने राज को लेकर के, और उसी के अंदर वो फिल्म बनाते हैं, है ना। ये भी इनक्रेडिबल इंडिया जो है वो भी वो सब्जेक्ट भी उनका वही है, कोशिश पूरी रहती है। और इस बार तो शायद वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद दूंगा और बहुत अच्छी बात है। हम सब मिलकर के जितना भी हो सकता है नए लोग फिल्म बनाएंगे, क्योंकि पुराने लोग ठीक है बना लिया उन लोगों ने। अब क्या होता है कि हर आदमी फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से वो फिल्म बनाता है। कोई थॉट तो है, सोच तो है उसके पास भी है, तो ठीक है एक छोटे हो सकता है एक अच्छी फिल्म बन जाए और वो हिट हो जाए और लोगों को पसंद आ जाए। सर आपने क्या कह रहा है इसके बारे में? और अभी तो फिल्म के बारे में मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, सिर्फ ये है कि जिस तरह से इनकी सोच है, जो देश के प्रति जिस तरह की चॉइस इन्होंने जैसे पहली फिल्म बनाया और अभी ये फिल्म बना रहे हैं, एक बहुत साहसी कदम है, बहुत बढ़िया कदम है। और आर्मी के लिए इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा हुआ है। उम्मीद यही है कि फिल्म जो है अच्छे से बिजनेस करेगी और देश का हमारा अच्छा आर्मी का फायदा होगा उससे। राजपूत जी को तो मैं अपना भाई मानता हूँ, वो छोटे भाई है मेरे, और जो विश्वास उन्होंने मुझ पर आज दिखाया है और मुझे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला और अभी उन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है, तो बस मैं ये वादा करता हूँ मिस्टर राजपूत सिंह जी से कि पहले से और भी ज़्यादा दुगनी और उनने से भी ज़्यादा दुगनी मेहनत करूँगा। पिछली जो फिल्म हमने की थी उसका नाम था बदला हिंदुस्तानी का, उसमें मुझे 40+ दिखना मुझे नहीं मालूम है मुझे कैसा दिखना है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ ये जो फिल्म है बिल्कुल, इस फिल्म का जो टाइटल है इनक्रेडिबल इंडिया, तो ये फिल्म बिल्कुल इनक्रेडिबली बनेगी, ये मैं कह सकता हूँ। इसके प्रोमो भी कट ऑफ आप लोगों ने देखे होंगे जो सैंपल हम लोगों ने बनाए थे। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मिस्टर राजपूत सिंह, मिस रेणुका राजपूत सिंह, आपको हैप्पी बर्थडे मैम वंस अगेन। और इसी के साथ मैं अपने दो शब्द यहाँ पर खत्म करता हूँ, बिकॉज यहाँ से मेरे लिए और जिम्मेदारी बढ़ गई है और मुझे अपने काम पर अब फोकस करना है, क्योंकि राजपूत जी ने जो भरोसा मुझ पर जताया है इस पर मैं पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम नमः शिवाय, शिवा का भक्त हूँ और उनके ही साधना में लीन रहता हूँ, और ये शायद आज उन्हीं का आशीर्वाद मुझे मिला है, वरना लोग बॉम्बे आते हीरो बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सपने सच होते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरे माता पिता का इसमें बहुत साथ है हमेशा से, एक जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा, जिंदगी ने एक मौका दिया है, मैंने अपने माता पिता को भी खुश होने का मौका नहीं दिया जब से पैदा हुआ, लेकिन बस यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा भी मैंने अगर किसी भी बच्चे को ये मौका मिलता है अपने माता पिता को प्राउड फील कराने का या जो भी है, तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि कल तक लोग ये कहते थे ये सुनील देसाई का या सुप्रिया देसाई, वो अपने फील्ड में बहुत बड़े पॉलिटिकल फील्ड में ये बेटा है, लेकिन आज मैं इसीलिए पूछूं कि मेरा जीवन इसीलिए सफल हुआ। कोई भी बच्चा अपने माता पिता के लिए अगर इतना भी कर दे तो उससे बहुत उसका जीवन सफल हो जाता है, और ये मैं क्रेडिट इसका देना चाहूंगा मिस्टर राजपूत सिंह और रेणुका राजपूत सिंह जी को कि उन्होंने मुझे अपना माना, फैमिली में जोड़ा, और थैंक यू मॉम एंड डैड, आप लोगों ने मुझे जन्म दिया इसीलिए, और खुश हूँ और मैं बस इसका क्रेडिट देना। मेरी सिस्टर आज नहीं है, आई एम मिसिंग हर, वैसे तो हम लोग ज्यादा बोलते नहीं है, बड़ा मिसिंग है, बट आई होपफुली कि जीवन में सब लोग खुश रहे, मेरी सबके लिए यही दुआ है। कपिल जी, कपिल सोलंकी जी जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, अपने श्री पूजन तिवारी जी जिनको मैं देखता हूँ अपने आइडल के तौर पर, सीख रहा हूँ। और हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा मैं स्टूडेंट हूँ, अली जी ने भी बहुत अच्छा हमारा साथ दिया था सर, थैंक यू मुश्ताक जी भी थे।
मुहूर्त के माध्यम से पूरी टीम बहुत अच्छी है। राजपूत बहुत छोटे भाई जैसा है, हम चाहते हैं खूब अच्छी फिल्म बनाए, सबको देखने मजा आए। मीडिया आप सभी लोग इसको एक प्रोत्साहन के रूप में आए, आप सभी का भी धन्यवाद। मुझे भी इस टीम का हिस्सा होने का एक मुहूर्त के रूप में सौभाग्य मिला। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, मुश्ताक भाई को, अली भाई को, सब लोगों को जितने लोग भी हैं, और सबको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। खूब खूब अच्छी फिल्म बनाइए, खूब नाम कीजिए। इतना ही, मैं आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ, मैं निकलता हूँ, और सब भाइयों को अगली बार बैठ के।